नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। 29 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल 2020 कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हो गया था, लेकिन अब इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में किया जा रहा है। वहीं इस लीग का पहला मैच मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। कोरोना वायरस के कारण इस बार आईपीएल यूएई में खेला जा रहा है। ऐसा दूसरी बार है जब आईपीएल के मैच यूएई में होंगे। इससे पहले साल 2014 में आईपीएल के कुछ मैच यूएई में खेले गए थे। फैंस आईपीएल के 13वें सीजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। आईपीएल के 13वें सीजन के लिए सभी फ्रेंचाइजीज यूएई पहुंच चुकी हैं। सभी टीमों के खिलाड़ी यूएई में क्वारंटाइन में हैं। इस दौरान खिलाड़ी वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार से जुड़े हुए हैं और अकेले रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। इस कड़ी में हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी और बेटे की फोटो शेयर की है। हार्दिक पांड्या ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पत्नी नताशा स्टैनकोविक और बेटे अगस्त्या की फोटो शेयर की है। ये फोटो वीडियो कॉल के दौरान की है। इस फोटो को शेयर करते हुए हार्दिक पांड्या ने कैप्शन में लिखा, मिस यू माय टू एंजल बेबी एंजल, आप दोनों का मेरी लाइफ में आना ब्लेसिंग्स है। बता दें कि 31 मई 2020 को एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी दी थी कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। इससे पहले इसी साल की शुरुआत में हार्दिक पांड्या और नताशा ने सगाई का ऐलान किया था। हार्दिक ने दुबई में नताशा को प्रपोज किया था और सगाई की अंगूठी पहनाई थी। हार्दिक ने अपनी सगाई की जानकारी भी फैंस को 1 जनवरी 2020 को सोशल मीडिया के जरिए ही दी थी। इसके बाद कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में हुए लॉकडाउन के दौरान दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। 30 जुलाई को हार्दिक और नताशा माता पिता बने। बता दें हार्दिक पांड्या आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इस बार के आईपीएल में भी हर किसी की नजर हार्दिक पांड्या पर होगी। हार्दिक पांड्या ने 2019 के आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस किया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।